सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस विद द न्यू टाउन हॉल, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक न्यू गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करी है जो कि न्यू टाउन हॉल के साथ है। तो अब जो हम जो है टाउन हॉल 2 पर हम पहुंच चुके हैं। अभी जो मैंने लेटेस्ट पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहीं मतलब 50% मतलब 50 नहीं थोड़ा 35-40% मैंने अपग्रेडेशन मैंने दिखाई दी थी। और ख़ास तौर पर मैंने टाउन हॉल 2 की जो भी इंस्टॉलेशन बिल्डिंग थी वो मैंने पूरी दिखा दी थी। और अब मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये जो है मैंने कहा था कि वॉल जो है मैं ऑफ द कैमरा मैं 50% कर ही लूँगा, तो मेरी जो है 1 लाइफ 50% हो चुकी है। और मैंने कई अटैक्स भी करे थे, जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो 94 ट्रॉफीज़ भी हो गेन हो चुकी हैं। और फिलहाल के लिए मैंने वैसे एलेक्जर कलेक्टर को मैंने level 3 का कर दिया है और ये आगे जाएगा level 4 का, जो कि मैं अभी इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। तो यानी कि ये जो वीडियो है अभी जो आप ये देख रहे हो इसमें मेरा जो TH2 है यानी कि टाउन हॉल 2 है ये हमारा हो जाएगा प्रॉपरली मैक्स आउट इसी वीडियो में। और चाहे मेरे को जितना मर्जी टाइम लग जाए ये वीडियो में मैं कंप्लीट कर ही दूंगा टाउन हॉल level 2। तो अब 3 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल हम 3 को देखेंगे। आज हम 2 को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि इसको हम कर लेते हैं प्रॉपरली मैक्स आउट। और इसका जो है बेस लेआउट भी हम आज ही बना लेंगे कि जो डिफेंस बेस में ज़्यादातर रखूँगा। और हालांकि मैंने एक बेस सोच ही रखा हुआ है कि वो कैसा है। तो या एंड गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जब ऑफ द कैमरा जब मैं कर रहा था अटैक्स वगैरह तो मेरे पास थी अचीवमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सपीरियंस लेवल में मेरे को मिली है अपग्रेड द गोल्ड स्टोरेज level 2। यहाँ गोल्ड स्टोरेज भी मैंने level 2 का कर दिया था, तो उसके लिए मेरे को 2 जेम्स मिल गए हैं। और मैंने 20,000 गोल्ड मैंने ग्रैब कर ली थी। 20,000 गोल्ड जो है वो मैंने कैसे ग्रैब करी थी, एक्चुअली जो अभी पीछे इवेंट आया हुआ था अभी वो अभी शायद आया हुआ था क्वीन चार्जेस वाला, वो डार्क क्वीन नहीं गॉब्लिन क्वीन वाला जो आया हुआ था चैलेंज वो आया हुआ था। तो वो मैंने अभी इसी में ही इसी आईडी में मैंने वो चैलेंज मैंने जो है पूरा कर लिया था। हालांकि मैंने गलती करी थी बट खैर कोई बात नहीं, आज वैसे भी वो वार्डन के आगे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है तो मेरे पास जेम्स भी मिल जाएंगे। तो मेरे जैसे पिछले वीडियोस में 250 जेम्स थे तो मेरे अब करंटली है 287, तो यानी कि अब आगे 300 तो इस वीडियो में अभी हो ही जाएंगे। अब जैसे एक मैंने एलेक्जर भी 20,000 मैंने एलेक्जर स्टील कर ली थी, उसके मेरे को 5 जेम्स मिल गए हैं। और एक और है जो कि हमारे पास अचीव द 75 ट्रॉफी, जो कि हमारी जो 75 ट्रॉफी से ऊपर हो चुकी है, 97 है, तो या 75 ट्रॉफीज की जो है हमारी अचीवमेंट वो भी कम्प्लीट होगी, उसके हमें मिल गए 5। तो 297 है जेम्स, बहुत सही है। अगर 300 करने हो तो मैं तो अभी कर लेता हूँ जो ट्रंक चटा दो हमारे 3 जेम्स मिल जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 300 प्रॉपर पूरे जेम्स। तो यानी कि अभी 2 दिन में मैंने 50 जेम्स की वो कर ली है, क्या बोलते हैं प्लस 50 जेम्स प्लस कर लिए मैंने 2 दिनों में। एंड गाइस, मेरे पास अभी भी है 2 बिल्डर अवेलेबल और मेरे पास लूट प्रॉपर 5500 यानी 5500 हमारे पास पूरी लूट है। और जो हमारी जो लूट यानी कि जो स्टोरेजेस एलेक्जर स्टोरेज और गोल्ड स्टोरेज दोनों जाएंगे हमारे शायद level 3 की। और level 3 की जाने के बाद ये जो है हमारे प्रॉपरली मैक्स आउट हो जाएंगे हमारे स्टोरेजेस। तो मैं क्यों ना सोच रहा हूँ कि पहले जो है मैं गोल्ड इसको मैं अपने वॉल्स के ऊपर खर्च कर लेते हैं। 5 वॉल्स जाएंगी 1 2 3 4 5 क्या, ये वाली जो वॉल है ये पूरी चली जाएगी हमारी गोल्ड में और जो कि हो जाएगी हमारी मैक्स आउट। और एक हम अपग्रेड कर लेते हैं अपने एलेक्जर का जो कि होगा हमारा बराक्स। बराक्स कितने 1 घंटा ले रहा है अभी इसको नहीं, इसको तो हम बाद में देखेंगे। वो वैसे भी गोब्लिन आ रहा है ये बराक्स जो हमारा भी ये हो जाएगा level 4 का मैक्स आउट, तो गोब्लिन तक ही रहेंगे तो इसको तो मैं एंड में देखूंगा एंड ऑफ द वीडियो में। नहीं, एक वॉल अभी भी हम और कर सकते हैं, मैंने वो भी वो गोल्ड माइन से जो भी कलेक्ट किया था उससे भी एक वॉल और हो जाएगी अब, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास एलेक्जर के हम कर लेते हैं पहले गोल्ड स्टोरेज जो कि होगा हमारा 20 मिनट्स का टाइम ले रहा है, तो 3 2 1 गो। और अब हम कर लेते हैं कुछ कपल ऑफ रेस्ट। और हाँ, ये जो हमारी रिवॉर्ड है रिवॉर्ड्स में भी मेरे को 10 जेम्स की जो है मेरे को मतलब रिवॉर्ड मिल रही है तो इसको भी मैं ग्रैब कर लेता हूँ। फ्री जेम्स हैं, बेस्ट हैं,
बाकी मेरे को गोल्ड फिर से मिल गया मेरे को 4000 जो कि ठीक है, गोल्ड मेरे को फिर से मिल गया 4000 हमारे पास, एक टेक्निकली वैसे 5000 हो ही जाएगी, हो गई है। तो ये मेरी ये 5 वॉल्स जो रह गई है ये पूरी की पूरी मैक्स आउट अभी के अभी कर देता हूँ मैं, गो। सो गाइस, मेरी वॉल्स हो चुकी है मैक्स आउट, हो चुकी है विद इन द 5 मिनट्स, और सारी की सारी जो है मैंने वॉल्स मैंने अपग्रेड कर ली है, और इससे आगे कोई नहीं जाएगी, वो जाएगी तो level 3 टाउन level 3 पे जाएगी। एंड मेरे पास जो एलेक्जर वो ज़्यादा है, तो मैं क्यों ना एलेक्जर को ही खर्च कर लूँ। तो गोल्ड माइन की तरफ मैं 10 मिनट्स अपग्रेडेशन पर लगा देते हैं। तो अब हम कर लेते कुछ अटैक्स। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो बराक्स को अपग्रेड करा था वो अब मेरे पास खुल गए हैं जाइंट्स। तो मैंने अपनी जो आर्मी है वो रखी हुई है 2 जाइंट्स, बाकी 10 आर्चर्स एंड 10 बारबेरियंस। तो बेस्ट है, खैर हमारी जो है आर्मी वो पूरी प्रॉपर हो चुकी है ट्रेनिंग। तो एक अब अटैक कर लेते हैं हम फर्स्ट क्लास से, और हाँ एक अच्छा खासा सा बेस मिले ताकि मेरे को थोड़ा यू नो पैसे ज़्यादा मिले, कॉइन ज़्यादा मिले, कि कॉइन चाहिए मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी। सत्रह सौ गोल्ड मिल रही है फिलहाल के लिए, अभी तक मेरे को ये थोड़ी बेस्ट लग रही है, तो मैं क्यों ना अभी मैं जो है आकर अभी यहाँ पे होल्ड करके रखते, क्योंकि एक कैनन जो है हमारे जाइंट वो उस कैनन की तरफ जाएंगे, जिसके कारण मैं फिर अपने इसके बैक साइड से आर्चर डिप्लॉय कर दूंगा सारे। यस, अभी जो बेस हमारा पूरा अपने अंडर कंट्रोल है, और बिल्कुल लूट चाहिए थी 1700 मिल गई है। एंड गाइस, सारी के सारी जो है गोल्ड वो सब मेरे को मिल चुकी हैं विद 28 ट्रॉफीज, इजी बेस था। एंड जो है अब मैं करने वाला हूँ हमारे जो है कैनन्स जो कि है ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ये मेरे को लग रहा है level 3 तक जाएंगे। खैर, अब मैं आपको एक प्रॉपर इसकी जो है अपग्रेडेशन टाइमिंग जो 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 अपग्रेडेशन है जहाँ जहाँ तक कौन कौन से लेवल तक टाउन 2 पे जाएंगी वो मैं आपको एक चार्ट से दिखाने जा रहा हूँ। एंड गाइस, जो हमारी जो टाउन लेवल 2 की जो रिसोर्स बिल्डिंग्स हैं उसमें से हमारे हैं हमारे पास है 4 बिल्डिंग जो कि हैं एलेक्जर कलेक्टर, गोल्ड माइन, एलेक्जर स्टोरेज और है गोल्ड स्टोरेज। एलेक्जर कलेक्टर जो है और गोल्ड माइन है, कलेक्टर और गोल्ड माइन ये दोनों जाएंगे मैक्स लेवल की 4, यानी कि मेरी जो अभी करंटली है वो शायद मेरी लेवल 3 की है, तो 4 भी इसी वीडियो में हो जाएगी। और इसके जो हमारे पास जो नंबर ऑफ बिल्डिंग वो हमारे पास 2 ही है, एंड जो गोल्ड माइन है वो जाएंगे 4, इसके भी जो हमारे पास नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है वो है 2। स्टोरेज, दोनों स्टोरेज भी हमारे पास है 3 लेवल तक जाएंगे, मैक्स लेवल जो होगी हमारे पास 3 तक जाएगी, मैंने 2 लेवल तक की करी रखी है, और अभी मैंने शायद गोल्ड स्टोरेज को हम लगा भी रखा है, तो मेरा अभी लेवल 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी जो बिल्डिंग्स है अभी हमारे पास वो हैं 1। एंड हमारे पास जो है आर्मी बिल्डिंग्स, टाउन लेवल 2 पर जो आर्मी बिल्डिंग्स होती है वो हमारे पास होती है 2, एक होती है आर्मी कैंप और एक होती है बराक्स। बाकी जो बैरक्स है उसमें जो हमारे पास जाएंगे लेवल 4 के, यानी कि गॉब्लिंस तक, मेरे अभी जॉइंट्स तो खुले हुए हैं यानी कि अभी लेवल 3 के हैं, ये अभी लेवल 4 के हो जाएंगे जो कि लगेगा 1 घंटे का, इसको मैं लास्ट में देखूंगा, लास्ट ऑफ द वीडियोस में, लास्ट ऑफ द टाइम में। और बाकी इसके जो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है हमारे पास 2 नहीं एक्चुअली, हाँ ये पुरानी क्या बोलते हैं अपग्रेडेशन के हिसाब से इन्होंने ये चार्ट जो मेरे को मिला है वो वहाँ से मिला था, यानी कि अब करेंटली जो है वो बराक्स भी एक एक कर दिए गए हैं, ताकि मतलब ज़्यादा तो बराक्स नहीं है, क्यों करें ये मेरे को भी नहीं पता है। आर्मी कैंप पर हमारे पास जाएंगे लेवल 2 के, यानी कि मैंने लेवल 2 के मैक्स आउट पहले से कर दिए थे पिछले वीडियो में ही। अभी जो क्या बोलते हैं अभी जो मैं आर्मी यूज़ करूँ यानी कि 30 की हाउसिंग स्पेसिंग है, तो हमारे वो लेवल 2 के ही है ऑलरेडी, और इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ बिल्डिंग है वो है 1। एंड हमारे पास जो है मेन डिफेंसिस पर, क्योंकि डिफेंसिस तो ऑब्वियसली बहुत प्रायोरिटी चीज़ होती है, तो यानी कि अभी जो कैनन हमारे पास जाएंगे लेवल 3 के, जैसे कि मेरे को लग ही रहा था कि लेवल 3 की तो जाएंगी, तो अभी मैंने एक लेवल 2 का अपग्रेडेशन पर लगा दिया था। तो अभी जो है हमारे पास कैनन है वो है हमारे पास 2 बिल्डिंग्स, आर्चर टावर है हमारे पास लेवल 2 की जाएंगी, यानी कि वो शायद 15 मिनट का
एक अपग्रेडेशन है वो फटाफट से हो जाएगा। तो या तो एक नंबर ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास उसकी वन, और जो वॉल्स हमारे पास 25 हैं वो हो जाएंगे लेवल 2 की, जो कि मैंने एफर्ट कर दी है। अभी मैंने आपको सारे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो सब मैंने आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन से लेवल की कितने लेवल तक जाएंगे, कितनी बिल्डिंग्स हैं वो सब मैंने आपको बता दी है। तो अभी हमारे पास जो है कैनन, ये भी हमारी लेवल 2 की हो चुकी है, तो मैं एक सोचूं दूसरे कैनन को भी मैं अपग्रेडेशन पर लगा देता हूँ फटाफट से, 2 मिनट की ही बात है। टाइम लैप्स एंड गाइस, हमारे जो है कैनन वो भी अपग्रेडेशन पे हो गए हैं, अपग्रेडेड हो गए हैं, और जो गोल्ड चार्ज वो भी हमारी हो चुकी है लेवल 3 की। तो अभी ये मैक्स आउट हो चुकी है हमारी गोल्ड स्टोरेज भी, जो कि जा गई है 8500 तक की कैपेसिटी, तो बढ़िया है। और मैं सोचूं अभी लेक्चर स्टोरेज को भी अपग्रेडेशन पर कर देता हूं, हालांकि वैसे मेरे को शायद जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लेयर बैटल्स में कॉइंस की, बट खैर कोई बात नहीं, कॉपी मैक्सिमम करते हैं। तब ये भी हमारे जो है 20 मिनट्स में हमारी दोनों की दोनों जो स्टोरेज हैं वो हो चुकी है मैक्स आउट। तो या अब मैं एक सिंगल प्लेयर पर अटैक कर लेता हूँ, जो कि हमारे को एक लूट जो है प्रॉपरली मिल जाएगी। बट मैं खैर सोच रहा हूँ एक जो है हमारा बिल्डर, उसको मैं गोल्ड माइन को अपग्रेड करने पर लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा एलेक्जर की जो है स्टोरेज कम, मतलब जो है हमारे पास जो एलेक्जर वो कम हो जाए, ताकि मैं गॉबलिन से गैदर और कर सकूँ। तो या हमारे पास गॉबलिन आउटपोस्ट, इस पर हम कर लेते हैं अटैक्स। तो ठीक है, यहाँ से भेजो 2 कैनन, मतलब 2 जाइंट्स, बाकी ये 10 दोनों कैनन टूट चुके हैं, और हमारे पास जो है पूरी की पूरी आर्मी अभी भी अवेलेबल है। तो या इस पर भी हमारे जो है 3 स्टार कंप्लीट है, और लूट तो हमें प्रॉपरली मिली गई है 1500 की। एंड गाइस, हमारी जो है एलेक्जर स्टोरेज भी कंप्लीट हो चुकी है, और गोल्ड माइन भी हमारा जो हो चुका मैक्स आउट। तो यानी कि हमारे जो है गोल्ड स्टोरेज और एलेक्जर स्टोरेज और गोल्ड स्टोरेज दोनों ही लेवल 3 के हो गए हैं मैक्स आउट। एंड हमारे जो है माइन भी हमारा हो चुका है गोल्ड माइन मैक्स आउट। बाकी जो है कलेक्टर्स रह गए हैं, ये हमारे 10 मिनट ही रहेंगे, इसको मैं ऑफ द कैमरा भी कर सकता हूँ बाकी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एंड जो हमारे पास जो मेन रह गए हैं वो रह गए हैं कैनन्स, तो उसके लिए हमारे को चाहिए होंगे प्रॉपर लूट, यानी कि 4K यानी 4000 के 2 कैनन्स होंगे, तो यानी कि 8K लूट की ज़रूरत है हमारे को। और अब कुछ बेस के ऊपर अटैक कर लेते हैं, ताकि हमें प्रॉपरली लूट मिल जाए, जैसे कि इस बेस पे है। तो ये बेस पे तो इजीली हो ही जाएगा हमारा 3 स्टार हो जाएगा इजी। बाकी 1 2 बाकी बस मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ ताकि जाइंट्स हैं वो कैनन की तरफ जाए, फिर मैं पीछे से अपने जो है बारबेरियंस और आर्चर्स छोड़ सकूँ। अभी ये इसको बहुत तोड़ने में इतना टाइम लगता है, बट खैर कोई बात नहीं, जल्दी हो गया। और ये हमारे पास कैनन भी इनके पास जो है लेवल 1 का है, और बाकी जाइंट्स फिर से इस कैनन की तरफ है, ताकि मैं आर्चर्स उनको पीछे छोड़ दूँ कैनन के पीछे। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास प्रॉपर 3 स्टार एंड या हमें लूट की जरूरत थी, तो हमें तो लूट प्रॉपर मिल गई है, और मैं अभी ही इस अटैक के बाद ही वो कैनन जो है हमारा मैं उसको अपग्रेडेशन पर लगा दूँगा, फिर हम एक अटैक और करेंगे, ताकि जो हमारे पास 4K की लूट दोबारा मिल जाए। तो या बेस पे विद 24 ट्रॉफीज एंड 3000 लूट।
जो कि हमारे लिए बेस्ट है। एक परफेक्ट बेस आ जाए हमारे पास लूट वाला, जिसमें हमें मतलब गोल्ड सोरे यूं बूम बढ़ जाए। और जो हमारे पास क्या बोलते हैं जो मैंने अभी अपग्रेडेशन करी थी जैसे गोल्ड माइन की या उसकी, तो मेरा एक्सपीरियंस लेवल भी 7 का हो चुका है, यानी कि एक्सपीरियंस लेवल भी मेरा बढ़ चुका है। तो लूट देखो भाई, 10K अराउंड 10K गोल्ड है हमारे पास और 11K, तो भाई साहब ये तो बस मैं अब करने लगा हूँ इसके ऊपर अटैक। अपने दो जाइंट्स यहाँ भेजो, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी जो है आर्चर्स मेरे बस। ये बेस हमारे ऊपर है भाई और 8K तो मतलब इतनी मेरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी वो तो मेरी फुल हो चुकी है। बाकी बस इजी पीजी 3 शॉट। और हालांकि अच्छा ये ठीक है, ये टाउन लेवल 3 का है इसलिए इसको इसके पास जो है लूट ज़्यादा है। मेरे को लगा कि लेवल 2 का है क्योंकि इसके पास जो ज़्यादातर जो भी अपग्रेडेशन जो उसने कर रखी थी वो लेवल 2 के हिसाब से कर रखी थी, टाउन लेवल 2 के हिसाब से कर रखी थी, तो मुझे लगा कि इसके पास लूट ज़्यादा कैसे रह गई है। पर खैर जब मैंने देखा टाउन है वो लेवल 3 का है, सो या इजी पीजी 3 स्टार है इसमें भी। और लूट तो सुनिए बॉस, या एंड गाइस हमारे पास सारी की सारी लूट आ चुकी है विद 30 ट्रॉफीज एंड या इट्स परफेक्ट। अब मैं इसकी जो अपग्रेडेशन कर लेता हूँ, सोच रहा हूँ कि अभी मैं मतलब सोचना क्या है, ऑब्वियसली बात अब कहना नहीं करेंगे। और हाँ एक मैं छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहूँगा या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि अब जैसे कभी देख सकते हो कि ये बोट जो दिखा रहा है अभी, ये हमारी जो है टाउन हॉल लेवल 4 पे खुलेगी। तो यानी कि टाउन हॉल लेवल 4 पे जब ये खुलेगी तो हम जाएंगे सीधा बिल्डर हॉल की तरफ, यानी कि बिल्डर बेस की तरफ, जो कि एक होम विलेज से बिल्कुल अलग ही बेस होगा। तो मैं सोच रहा हूँ अब जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक अब नया अपडेट आया हुआ है COC में कि बिल्डर 2.0, यानी कि जो पुराना जो बिल्डर की जो भी छोरी थी या जो भी मतलब पुराने बिल्डिंग जो पुराना बिल्डर बेस का जो भी सिनेरियो था या जो भी गेम सेंस था वो सब इन्होंने चेंज कर दिया, सब लूट सिस्टम चेंज कर दिया, सब अटैक सिस्टम। एंड प्लस वहाँ पर भी हमारे पास 2 बेसिस हैं, बिल्डर बेस में भी हमारे पास 2 बेसिस हैं। अगर आपको नहीं पता, नहीं वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कहीं भी नहीं पता, मैं जस्ट उनके लिए बता रहा हूँ। अभी जब टाउन लेवल 4 पे खुल जाएगा ना हमारा ये बोट वाला, तो हम बिल्डर बेस का जो है, मैं एक प्रॉपर बिल्डर बेस की भी एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा फ्रॉम रश टू मैक्स। और जैसे बिल्डर हॉल 1 है उसका भी प्रॉपर रश टू मैक्स कर दूंगा, 2, 3, 4, 5, 6। और एक नया बिल्डर हॉल आया हुआ है जो कि है हमारे पास 10, और उसमें से भी हमारे को अभी जब ये खुलेगा तो उसमें हम बोनेंजा चैलेंज करेंगे जो कि बिल्डर हॉल के लिए मेन रखा हुआ है, वो मैं ऑफ द कैमरे कर दूंगा, वो आप सभी ने वैसे कर ही रखा होगा, वो पुराना चैलेंज है, इतना अब तो कोई क्रेज भी नहीं है। या सो अभी जो हमारे जो कैनन है इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो अभी मैं फटाफट से जो है अब आर्चर टावर को अपग्रेड पे लगा लेता हूँ अपने लेवल 1 से लेकर के लेवल 2 तक, जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 की गोल्ड दे रहा है, तो मैंने फटाफट इसको कर दिया है। और ये मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो था रिकॉर्डर यानी कैमरा रिकॉर्डर वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, और मैं ये मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग जब हो गया था, यानी कि जो मोबाइल पे जो रिकॉर्ड हुआ था वो सब हो गया था, मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए अब ये जो है वॉइस ओवर के साथ है। तो मैं बस इसमें यही बता रहा था कि मेरे को एक मैंने पिछला अटैक किया था जिसमें मेरे को एक लूट मिल गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मेरी जो है लूट प्रॉपर मैक्स आउट है, तो इसलिए फिर मैंने अपना जो है आर्चर टावर को भी अपग्रेड पर लगा दिया था। अब सेकेंड मैं करने जा रहा हूँ अपने अपग्रेडेशन में, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास रह गया बराक्स और रह गया टाउन हॉल।
तो बराक्स का जो है हमारा एलेक्जर चले जाएगा, एक 1 आवर का अपग्रेड है, और सेकंड जाएगा हमारा टाउन हॉल जो कि वो भी एक 1 आवर का अपग्रेड है। तो मैं अब आगे इन फ्यूचर नहीं, मतलब आगे की ही इसी पार्ट में मैं अभी बराक्स को कर लूँगा और करूँगा टाउन हॉल को अपग्रेड, और जो रह जाएगा वो रह जाएंगे हमारे कलेक्टर्स, यानी कि दोनों कलेक्टर्स, वो मैं बाद में करूँगा जब मेरे टाउन हॉल और बराक्स दोनों ही हो जाएंगे जो 1 आवर के बाद। तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली जो है मैंने अपना जो बिल्डर है वो मैंने बराक्स को अपग्रेड करने पर लगा दिया हुआ है। अब मेरे पास जो रह गया है वो है टाउन हॉल, और टाउन हॉल को भी मैंने अपग्रेडेशन पे लगा दूंगा जो कि जाएगा मेरा टाउन हॉल लेवल 3, 4000 का गोल्ड ले रहा है। सो 3, 2, 1 गो। एंड गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का ऑप्शन भी आ रहा होगा, प्लीज़ उसको टिंग करें, यानी कि जिससे आगे इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ आएंगी उसका जो नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन में सबसे पहले आए। सो ठीक है, फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट वीडियो में विद टाउन हॉल लेवल 3। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।